हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चना का साग और आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यह चना का साग हमारा बहुत ही सिंपल होगा। मान लीजिए यह एक बॉयल्ड सब्जी है। यह बिहार का बहुत ही प्रसिद्ध चना का साग इस तरीके से बनता है। तो चलिए आपके साथ हम शेयर करते हैं। और हमको इसी तरीके से बहुत पसंद आता है। इसमें कोई मसाला नहीं डालेंगे, बनेगा बहुत ही ईजी और सिंपल। तो चना के साग हम खरीद लिए हैं जो कि बहुत बड़े बड़े डंठल में हैं मार्केट में। तो इतने बड़े बड़े टुकड़ों में तोड़ कर बेचते हैं कि क्या बताएं। कुछ तो इनको हम अभी छाटेंगे, यानी ऊपर के जो टाइट भाग हैं उनको काट काट कर थोड़ा छोटा छोटा करेंगे, नरम भाग को निकालेंगे। ये तो बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा चना को नहीं सही कर पाएंगे, कुछ ही चना को सही करते हैं। अगर वो आपके खेत का है तो बहुत ही नरम रहता है और साग भी बहुत सॉफ्ट बनता है। तो इनको पहले अच्छे तरीके से झाड़ लेंगे क्योंकि इसमें हरे हरे कीड़े रहते हैं, और धुल लेंगे। और धोने के बाद हम डलिया में रख लिए हैं, अब इसकी करेंगे कटिंग। यह टाइट होता है, चाकू से या सीजर से काटने में बहुत प्रॉब्लम होता है। इसको काटने के लिए एक तरीके का हसिया रहता है जिससे हम ये काट लिए हैं, और बहुत बारीक काटे हैं। जितना हो सके उतना बारीक काटे हैं, जितना बारीक काटेंगे उतना ही अच्छा रहता है, जिससे बाद में साग भी हमारा बहुत स्मूथ बनता है। इसको हम बॉईल करके बनाएंगे। तो कुकर में हम कटे हुए साग को डाल देंगे। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट कढ़ाई में मसाला के साथ, आलू के साथ, तड़का के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन हमारा यह सिंपल बॉईल वाला चना का साग है तो हम इस तरीके से बनाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो सभी कटे हुए साग को हम कुकर में डाल दिए हैं और इसमें मिलाएंगे पालक। एक गड्डी पालक लिए हैं, पालक को भी हम बारीक काट लिए हैं। आप इसमें बथुआ भी डाल सकते हैं या सरसों का साग, बथुआ, पालक तीनों मिलाकर डाल सकते हैं, लेकिन हमें तो पालक पसंद है इसलिए पालक ही डालेंगे। और पालक डालने के बाद इसमें एक कप पानी डाल देंगे क्योंकि इनको बॉईल करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगा, जिससे चना का साग हमारा जले ना। पालक में तो मॉइस्चर ज़्यादा रहता है लेकिन चना के साग में कम रहता है। तो इस तरीके से अच्छे से बॉईल हो गए हैं। आजकल चना का साग तो इतना टाइट आता है कि बॉयल होने के बाद भी अगर इनको खूब पेस्ट करके भी बनाएं तो ये स्मूथ नहीं बनते हैं, तो इसीलिए इनको हम पीस लेंगे। गल तो गए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, लेकिन इसमें जो रेशे दिख रहे हैं वह ना दिखें और साग हमारा बहुत ही स्मूथ बने, इसके लिए इसको मिक्सी जार में डालकर हम एक दो बार ही चलाकर पीस लेते हैं। इस तरीके से देखिए पीस लिए हैं, साग हमारा बहुत ही स्मूथ बन गया है। और इसमें जो एक्स्ट्रा पानी रहता है उसको सुखा लेंगे। जितना सूखा यह साग रहेगा उतना ही टेस्टी बनेगा। तो फ्रेंड्स, बताए थे कि साग को आप कई प्रकार से बना सकते हैं। आप बिना पीसे भी डायरेक्ट बना सकते हैं, या पीस कर इसमें आप तड़का लगाकर अपने मनपसंद लहसुन, मिर्चा, प्याज का इस तरीके से नमक हल्दी डालकर खा सकते हैं, या इसमें मसाला टमाटर भी डालकर खा सकते हैं। लेकिन यह हमारा साग बनेगा बॉयल वाला और एकदम बिहारी स्टाइल। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। तो इसके पानी को हम अच्छे तरीके से ड्राई कर रहे हैं, हाई फ्लेम पर हम चला चला कर ड्राई कर लेंगे। और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें इसी समय हम नमक भी डाल देंगे। तो ये साग हमारे काफ़ी ड्राई हो गए हैं, इसमें एक्स्ट्रा पानी सूख गया है। इसमें पानी नहीं रहता है तभी यह खाने में मज़ेदार लगता है, तो इसीलिए इनको अच्छे तरीके से हम ड्राई कर लेंगे। तो चलिए, जितना ड्राई करना है ये ड्राई हो गए हैं। अब गैस को हम बंद कर देंगे और ठंडा होने देंगे, तब बताएंगे कैसे खाएंगे। साग में कुछ नहीं है, सिर्फ नमक है, लेकिन नमक डला भी बहुत टेस्टी लगता है। इनको और टेस्टी बनाने के लिए इसमें बाद में हम कुछ चीज़ों को मिलाते हैं तब खाते हैं, तो इससे इनका टेस्ट और बढ़ जाता है। अगर फ्रेंड्स आप इस तरीके से साग बनाते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप नहीं बनाए हैं तो ज़रूर ट्राई करिएगा, बनाने में बहुत सिंपल तो है लेकिन खाने में काफ़ी टेस्टी है। जब हम खाएंगे तो चना का साग ले लेते हैं और उसमें लहसुन की पत्ती काटेंगे, हरा मिर्चा काटेंगे और थोड़ा सा कच्चा सरसों का तेल डालेंगे और इन सबको मिक्स करके खाएंगे। तो इस तरीके से यह सिंपल हमारा चना का साग काफ़ी टेस्टी बन जाता है। और बचे हुए साग को आप फ्रिज में रख कर 2 से 3 दिन तक आराम से खा सकते हैं। बासी साग तो वैसे भी काफ़ी टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारा कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें।